ऑफिस देख रहे होते हैं कि आप कोई पता नहीं बिजली के इंतजाम हो जाए, लेकिन आज आपके करीब होगा आपकी शख्सियत का जो एक पहलू है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ केपी के सुपरस्टार, यकीनन आप देखते हैं कि टिकटॉक जो है अगर पहचान रखती है तो जेरी भाई इस वक्त तो स्पेशल गेस्ट हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। और माशाल्लाह मैंने सुना है कि 1 अरब रुपए की गाड़ी में आए हैं, क्या मैंने अमाउंट ठीक बताई कि नहीं? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, तो ये सब कुछ आप लोग के लिए हम जो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, गाड़ी का मैंने रेट पूछा, वैसे 1 अरब मैंने गैस सही किया या ज्यादा किया? सॉरी अगर मैं गलत, ज्यादा है। चेक कैमरे में दिखा सकते हैं गाड़ी, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जेरी भाई, मुझे चैन के बारे में बताए। चैन के बारे में मैंने सुना है की ये 50 करोड़ की है। ये वर्सेल्स की होगा की ब्रांड, जिनको ब्रांड्स के बारे में पता होता है तो लाजवाब। अच्छा, आज शो पे आए थे रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में, आप क्या समझते हैं, क्योंकि टिकटॉक जो है कुछ दिन पहले जो है बैन होकर अनबैन हो गई है, तो आप क्या समझते हैं अपने फैंस को और ये जो छोटे टिकटॉकर्स हैं वो वीडियो ऐसी बनाते हैं कि दायरे से जो है हट जाते हैं, आप समझते हैं कि दायरे में रह के काम करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जिस तरह हम लोग वीडियोस बना रहे, ठीक है, सबको इतना प्यार दे रहे, तो हम सबको यानी कुछ टिकटॉकर्स की वजह से अगर हमें ये लोग बैन करवाना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ही बैन ना करवाएं, क्योंकि हम लोग तो आप लोग देखते, पब्लिक देखते, इतना प्यार मिलते हैं बच्चों से सबसे, तो मैं सबको ये दरख्वास्त करूँगा जितने भी यंगस्टर है आप लोग भी अच्छी वीडियोज़ बनाएं और आप लोगों का माशा आपका भी इस तरह नाम रहेगा, तो ये कहना चाहूँगा सबके लिए। जेरी भाई ये बताएं टिकटॉक का क्या फ्यूचर देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि टिकटॉक बैन नहीं होगी अब दोबारा? नहीं, इंशाल्लाह अगर हम लोग यानी हमें भी क्या करना चाहिए कि हम लोग भी अच्छी वीडियोस बनाए, तो इंशाल्लाह बैन तो कभी भी नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ कि हमें सपोर्ट कर जिस तरह बाकी यूट्यूब आप लोग चैनल्स देखते हैं, अगर हमें बैन करना चाहिए तो पहले सबसे पहले उनको बैन करना चाहिए, क्योंकि अगर गन सबसे ज़्यादा तो यूट्यूब पे तो सबसे ज़्यादा है, अगर आप लोग एक चीज़ देख। जेरी भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले स्पेल गुजरा है वो कोरोना का, अब दोबारा से कोरोना जो है फिर हमलावर हो रहा है, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, टिकटॉक के आप स्टार हैं, टिकटॉकर्स को और स्पेशली अपने फैंस को एसओपीस के हवाले से क्या बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी भी यकीन नहीं कर रहे कि कोरोना है, बताएं प्लीज जरा। मैं बहुत अच्छी बात करूंगा और सबके लिए बोलूंगा कि आप लोग सारे हम लोग मुसलमान हैं, आप लोग नमाज पढ़े और कुरान शरीफ का तिलावत करें, ये सबसे बड़ी हमें इलाज है, इसके अलावा हमारे कोई इलाज नहीं। और जो बोले कि कोरोना कोरोना, हाँ कोरोना है बेशक है, मगर हमें सबसे पहले नमाज पढ़ना चाहिए तो और कुरान शरीफ की तिलावत करनी, मैं सबको ये बोलना चाहूँगा। एसओपीस के बारे में आप बताएंगे कि एसओपीस का ख्याल करें तो आपके जो फैंस हैं वो भी एसओपीस का ख्याल करेंगे और हम कोरोना से खुद को बचा सकें? जी, जो रूल्स है वो तो अच्छी बात है, वो तो करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए, फैंस को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, तो इंशाल्लाह अभी हम लोग फॉलो करेंगे सारे रूल्स। अच्छा, गुजरे हुए स्पेल में लॉकडाउन हो गया था, अब इसमें क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं और गवर्नमेंट से क्या गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ना करे हम दोबारा लॉकडाउन के मुतम्मिल नहीं हो सकते? बस हम यही चाहते हैं कि हम लोग एहतियात करें तो सब कुछ चल सकता है, अगर हम लोग एहतियात नहीं कर सकते तो इवेंट्स इसी तरह कंटिन्यू रहने चाहिए, 50-50 होने चाहिए।